हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको अर्जुन की छाल के बारे में बताने जा रही हूँ। अर्जुन की छाल, ये मैंने अर्जुन की छाल पतंजलि की ली है। ये इसकी कॉस्ट है 40 रुपीज़। आप किसी और भी ब्रांड के अर्जुन की छाल ले सकते हैं। तो आज मैं इसको ये बताना चाहती हूँ कि अर्जुन की छाल की क्या बेनिफिट्स हैं और क्या आप कब नहीं लेना चाहिए, इसकी डिस्क्रिप्शन बताऊँगी। देखिए, अर्जुन की छाल सबसे पहले उन हर्ट पेशेंट के लिए तो बहुत ही अच्छी है। हर्ट में कोई भी प्रॉब्लम है, जिसको हर्ट की प्रॉब्लम है, जैसे कि चेस्ट में पेन हो रहा है और क्या कहते हैं ब्लॉकेज हो गया हर्ट में, तो उसमें अर्जुन की छाल बहुत ही बेनिफिट देती है। अर्जुन की छाल जो है हर्ट पेशेंट के लिए रामबाण उपाय है अर्जुन की छाल। इसके अलावा जो है क्या कहते हैं उससे किसी के फ्रैक्चर हो गया हो तो ये अर्जुन की छाल उसको लेने से काफ़ी बेनिफिट होगा। और इस अर्जुन की छाल में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, तो अर्जुन की छाल से यूरिनरी इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन हो गया किसी को, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। आपके यूरिन में कोई इन्फेक्शन में जो भी कोई प्रॉब्लम है उसको सही करेगी। इसके अलावा अर्जुन की छाल जो है लंग्स प्रॉब्लम में भी बहुत ही बेनिफिट देती है, जैसे कि कफ में, अस्थमा में, ब्रॉन्चाइटिस जिसको प्रॉब्लम है उसे अर्जुन की छाल लेनी चाहिए। ये अर्जुन की छाल जो है कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करने में हेल्प करती है अर्जुन की छाल। इसके अलावा अर्जुन की छाल से आपको अगर हेयर की प्रॉब्लम है, हेयर ब्लैक करने हैं, तो अर्जुन की छाल बहुत ही अच्छी होगी। ये आप इसको यूज सकते हैं। बस अर्जुन की छाल जो होती है किसको नहीं लेनी चाहिए, जिसको लो ब्लड प्रेशर हो उसे अर्जुन की छाल नहीं लेनी चाहिए, और प्रेग्नेंट लेडी को भी सजेशन आफ्टर डॉक्टर सजेशन तभी अर्जुन की छाल लेनी चाहिए। इसके अलावा अर्जुन की छाल जो है सर्जरी, जिसको सर्जरी हो गई है वो पेशेंट, उसको नहीं लेनी चाहिए। कल पहले कंफर्म करके डॉक्टर से तभी आप इसको लें। मैं आपको ये दिखाती हूँ कि अर्जुन की छाल अंदर से कैसी है। देखिए आपको कैसे लेनी है, कैसे होती है दिखा रही हूँ आपको। इस तरीके होती है, देखिए बिल्कुल पास से देख सकते हैं। ये अर्जुन की छाल सिर्फ आपको, ये आड़ भी कड़वी भी लगती है, तो आपको बस इतनी सी अर्जुन की छाल लेनी है और एक गिलास पानी में बॉईल करनी है। आफ्टर जब बॉईल हो जाए लो फ्लेम में, वो भी एक गिलास पानी में, और जब ये आधा हो जाए इस तरीके से अर्जुन की छाल, जब ये पानी आधा हो जाए तो उसको एम्प्टी स्टोमच आपको यूज़ करना है, खाली पेट मॉर्निंग में और खाली पेट इवनिंग में। ये आपको तब ज़्यादा अच्छा बेनिफिट करेगी। और दूध भी डाल सकते हैं इसमें, बट इसमें चीनी नहीं यूज़ करनी। जितना हो सके आप खाली वाटर ही से जो बॉईल करा हुआ है वो लें तो ज़्यादा अच्छा है। और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि ये आफ्टर बॉइलिंग इसका कलर किस तरीके से आता है। ये देखिए ये मैं बॉइल कर रहा है तो इसको बॉइलिंग करने के बाद इस तरह से कलर आएगा। इसको आप यूज़ कर सकते हैं हर्ट, जो जो मैंने आपको बताया उस उन प्रॉब्लम्स के लिए आप इसे यूज़ करें। बस ध्यान रखिए लो ब्लड प्रेशर वाले को नहीं लेना है, ये ध्यान रखिए। और प्रेग्नेंट लेडी और डॉक्टर सर्जरी वाले को जो है डॉक्टर से कंसल्ट करके ही इसे लेना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।